नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एंट्रेंस दिशा पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BA सरगुजा यूनिवर्सिटी BA एग्ज़ाम रूटीन 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सरगुजा यूनिवर्सिटी की जो है BA के एग्ज़ाम के टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे ही आपके BSc BCom या किसी और कोर्स की जो एग्ज़ाम डेट्स आ जाती हैं तो उनके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे, और हमारी वेबसाइट www.entrancedisha.com पर भी इन्हें अपडेट करेंगे। इसके लिए हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जो आपके एग्ज़ाम्स का टाइम पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा। दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम शुरू होंगे वो होंगे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होंगे दोस्तों 25 फरवरी 2019 से लेकर 16 मई 2019 तक जो हैं चलेंगे। दोस्तों, ये जो है BA भाग एक मुख्य परीक्षा 2019 है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कॉलम में लिख रखा है जैसे BA भाग एक नियमित और BA भाग एक स्वाध्यायी भूतपूर्व और पूर्व के लिए है। तो आइए दोस्तों, जो सबसे पहले 25 फरवरी को जो आपकी परीक्षा रहेगी वो रहेगी गृह विज्ञान की। 27 फरवरी को गृह विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय। इसके बाद है दोस्तों 2 मार्च को जो है आपकी आधार पाठ्यक्रम की। 5 मार्च को आधार पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र प्रथम हिंदी भाषा के लिए, और 6 मार्च को जो है आधार पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा के लिए है, और 8 मार्च को आधार पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र द्वितीय अंग्रेजी भाषा का BA भाग एक नियमित के लिए है। इसके बाद दोस्तों 9 मार्च 2019 को पर्यावरण अध्ययन, 12 मार्च 2019 को पर्यावरण अध्ययन। इसके बाद 13 मार्च 2019 को दोस्तों आपका समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम के लिए है। 15 मार्च दोस्तों भाग एक के लिए नियमित कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद 16 मार्च को दोस्तों जो दूसरा पेपर है वो होगा जो दूसरी पाली के दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और 18 मार्च 2019 को समाजशास्त्र प्रश्न पत्र द्वितीय का जो है वो एग्ज़ाम रहेगा नियमित कैंडिडेट्स के लिए। तो 25 मार्च 2019 को दोस्तों आपका राजनीतिक शास्त्र, 27 मार्च 2019 को इतिहास संगीत का जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसके लिए, और 28 मार्च को राजनीतिक शास्त्र प्रश्न पत्र द्वितीय के लिए, और 30 मार्च 2019 को दोस्तों इतिहास और संगीत प्रश्न पत्र द्वितीय के लिए होगा, और 2 अप्रैल को आपका हिंदी का, 5 अप्रैल को हिंदी का दूसरा पेपर होगा, और 9 तारीख को जो है इतिहास का पहला पेपर होगा, और 10 अप्रैल को दोस्तों राजनीति शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र होगा, और 12 अप्रैल को आपका इतिहास का जो है द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, राजनीतिक का आपका 13 अप्रैल 2019 को जो है प्रश्न पत्र द्वितीय का एग्जाम होगा, और 16 अप्रैल 2019 को भूगोल का प्रथम, और 20 अप्रैल 2019 को भूगोल का दूसरा पेपर होगा, और 23 अप्रैल 2019 को दोस्तों अर्थशास्त्र का जो है पहला पेपर, और 26 अप्रैल 2019 को अर्थशास्त्र का दूसरा पेपर होगा। इसके बाद 29 अप्रैल 2019 को मनोविज्ञान प्रथम क्वेश्चन पेपर, और 1 मई 2019 को संस्कृत कंप्यूटर एप्लीकेशन गणित प्रथम प्रश्न पत्र होगा, और 3 मई 2019 को मनोविज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरा एग्जाम होगा। इसके बाद 6 मई को आपका संस्कृत कंप्यूटर एप्लीकेशन गणित का जो दूसरा एग्जाम होगा, और 8 मई 2019 को गणित का तीसरा पेपर होगा, और 9 मई 2019 को दोस्तों अंग्रेजी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों 10 मई 2019 को मानव शास्त्र प्रथम का, और 11 मई 2019 को अंग्रेजी साहित्य का प्रश्न पत्र द्वितीय का, और 13 मई 2019 को मानव शास्त्र प्रश्न पत्र द्वितीय का, और 14 मई 2019 को प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व प्रश्न पत्र प्रथम, और जो लास्ट एग्जाम रहेगा वो रहेगा 16 मई 2019 को प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व प्रश्न पत्र द्वितीय। दोस्तों, अगर आप इस डेट शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी वेबसाइट www.entrancedisha.com पर जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक देंगे, और आप हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस दिशा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही बाकी
कोर्सों की एग्जाम डेट्स आएंगी, हम तुरंत एक वीडियो लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।